हेलो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। वैसे जैसा कि आपको थंबनेल पढ़ के पता चल गया होगा कि मेरी बाइक का अभी चलान हो रखा है, तो चलान के बारे में मैं आपको अभी बताता हूं कि क्या इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलान अभी जो है किस किस चीज़ का आपका हो सकता है अगर आपकी जो है मॉडिफाइड बाइक है। तो कि जैसा कि आपको पता होगा कि मैं ये जो मेरी वही वाली बाइक है, इसके साथ काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन मैं करके रखता हूँ। और ये जो है मैं एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो है इसको मैं ड्राइव कर रहा था। वैसे मैं इसको काफ़ी कम चलाता हूँ इस बाइक को। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि चलान किस किस चीज़ का आपका जो है हो सकता है अगर आपकी मॉडिफाइड बाइक है। तो क्या यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले जो ध्यान जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का, वो यहाँ पर जाता है नंबर प्लेट के ऊपर। तो इस नंबर प्लेट का आपको पता है एक साइज़ का इसका होता है और एक इसका जो कलर होता है वाइट में जो है ब्लैक कलर के आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो नंबर प्लेट का चलान है वो बनता है। और नंबर प्लेट का जो अभी का चलान चल रहा है वो 2000 रुपये है अभी। और पहले इसका प्राइस कम था, लेकिन न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 का आया उसमें इसका जो चलान है वो 2000 रुपये है। अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का आपका जो नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करी हुई है तो आपको 2000 रुपये की इसकी जो है पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो कैसे आप देखते हैं यहाँ पर मैंने इसकी जो नंबर प्लेट है इसको मॉडिफाई कर रखा था। तो यहाँ पर एक चलान हमारा जो है इस नंबर प्लेट का बनता है। सेकंड का जो ट्रैफिक पुलिस वाले का ध्यान जाता है वो आपके बाइक के साइलेंसर के ऊपर जाता है। तो अगर आपकी बाइक से ऐसे साइलेंसर की कुछ अलग से आवाज़ आती है तो आपका जो साइलेंसर है वो एक बार चेक करते हैं। तो अगर आपने जो ऐसे साइलेंसर के साथ कोई मॉडिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि साइलेंसर को जो है काफ़ी सारे मॉडिफाइड साइलेंसर आते हैं तो वो क्या हम अपनी बाइक में लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका चलान हो सकता है। और एक बात गाइस, यहाँ पर जो है किसी भाई लोग ने ऐसा करवा रखा होता है कि यहाँ से जो है इसको काट के यहाँ से पीछे इसकी जो बीच में जाली होती है जिसको डीबी किलर बोलते हैं उसको निकाल रखा होता है। तो गाइस यहाँ पर भी वो जो है अपना एक ऐसे रोड डालते हैं इसके अंदर। अगर ये मतलब अंदर जाके अटकती है रोड तो इसका मतलब डीवी किलर इसके जो है अंदर है। अगर इसमें अटकती नहीं है तो आपका जो ये साइलेंसर का जो है चलान आपका जो है ये बन जाता है। तो गाइस फिलहाल हमने जो अपनी बाइक के साथ कोई भी ऐसे जो साइलेंसर के साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर रखी थी। थर्ड गाइस जो बाइक का जो एक बार हॉर्न भी वो चेक करके देखते हैं, अगर आपने कोई म्यूजिकल हॉर्न लगा रखा है या फिर कोई प्रेशर हॉर्न लगा रखा है तो उसका भी एक चलान बनता है। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बाइक का जो ऐसे ब्रेक के साथ हॉर्न का कनेक्शन कर रखा है या फिर जो है इसका जो गाड़ी अगर आपके पास है तो आपने जो है अगर बैक वाला मतलब बैक गियर के साथ उसका कनेक्शन कर रखा है हॉर्न का या फिर कोई ऐसे म्यूजिकल हॉर्न का, तो उसका भी आपका जो चलान बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चलान की कॉपी और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 81 में लिखा हुआ है यहाँ पर म्यूजिकल हॉर्न विद ब्रेक / रिवर्स गियर। तो यहाँ पर इसका भी चलान बनता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं मैंने कोई भी ORMM नहीं लगा रखे हैं तो यहाँ पर इसका भी एक चलान बनता है। मेरे को एग्जैक्ट इसकी जो कोस्टिंग है वो नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में टाइप करके बताना। इसके बाद गाइस यहाँ पर हम जो है जब पीछे हम जो पिलियन वाला जो गार्ड होता है अगर उसको हम निकाल देते हैं या फिर इसकी जो मुड गार्ड होता है उसको अगर हम निकाल देते हैं तो इसका भी एक जो है चलान बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से चलान की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो गाइस 88 में लिखा है मोटरसाइकिल विदाउट प्रॉपर रियल व्हील गार्ड फॉर द पिलियन राइडर। तो इसका भी एक जो है चलान बनता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके मैंने जो व्हील है उसको भी ब्लैक करके रखा है। तो ओवरऑल जो इसकी लुक है मतलब इसका ब्लैक कलर है, अगर इसको मैं वाइट कर देता हूँ तो उसका भी एक जो है चलान बनता है। अगेन मैंने ऐसा कुछ नहीं करके रखा और कोई स्टिकर भी यहाँ पर यूज़ नहीं करके रखा, स्टिकर का भी यहाँ पर आपको जो है चलान पड़ता है। तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मैंने करके रखा। और इसके जो कुछ ऐसे इंडिकेटर की जैसे ग्रिल डाल के रखी है और इसका जो बल्ब है हेडलाइट का वो बड़ा डाल के रखा है, लेकिन इतना ध्यान नहीं जाता मतलब किसी का इस ऐसी मतलब चीज़ों पर। तो मेन जो चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो आपका लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, या फिर आपका जो ओवर स्पीडिंग का चलान है वो हर बाइक का हर गाड़ी का होता है और ये आपको करवा के रखना होता है। एक्चुअली ये मेरी बाइक की जो है ना तो इंश्योरेंस थी मेरे पास और ना इसका जो PUC सर्टिफिकेट था। तो क्या यहाँ पर पोल्यूशन के 10,000 लगा लो, नंबर प्लेट के यहाँ पर 2,000 लगा लो, उसके बाद इसकी इंश्योरेंस की आप 2,000 लगा लो और इस हिसाब से जो इसका जो टोटल चलान बनता है वो 20,000 से भी ऊपर हो सकता था। लेकिन अभी मैं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ। तो गैस एक्चुअली मैं ये इसको जो है एक अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको लेके गया था बाइक को, लेकिन अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट जो है इस ऐसे स्ट्रिक्ट हो गई है क्योंकि यहाँ पर अभी जो इनका जो टैक्स कलेक्शन है वो इसी चीज़ों से मतलब ज़्यादा होगा। तो आपको भी ध्यान रखना, आपको छोटी से छोटी गलती का भी आपको जो है फाइन यहाँ पर पड़ सकता है। तो आप जो है बिल्कुल सावधान होकर जो आप राइड करिएगा अगर आप बाहर जा रहे हो घर से। तो अभी गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मेरा चलान कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक टिक लगा है मेरे यहाँ पर विदाउट इंश्योरेंस। तो गाइस उन्होंने जो है एक मेरे को पॉइंट आउट किया था कि आपकी जो नंबर प्लेट है वो भी मॉडिफाइड है तो अगर उसका भी मैं करना चाहूँ तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको जैसे शॉर्ट दे देता है ट्रैफिक पुलिस वाला ऑफिसर। तो यहाँ पर अब मेरा जो चलान हुआ है टोटल वो इंश्योरेंस का हुआ है जो कि 2000 रुपये का होता है। तो गाइस सेम केस मतलब एक जैसा नहीं होता कि मेरा अभी इतने का चलान हुआ है तो आपका भी इतना का होगा। आप जो अपनी बाइक को इस हिसाब से मॉडिफाई कीजिएगा। जितने मैंने आपको यहाँ पर बताया उनका चलान होता है तो उस हिसाब से आप अपनी बाइक को मॉडिफाई कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है ऐसे पेनल्टी लग जाएगी। तो बस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।